एक बार राजा विद्याधर के दरबार में एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आया। है कोई जो पेश करे मिसाल, इस शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर दे निकाल। विजयनगर वासियों की बुद्धिमत्ता को ललकार रहे हो, वो भी महाराज के सामने। महाराज विद्याधर को अपनी प्रजा और अपनी बुद्धि पर बहुत अभिमान था। मोम के शेर को वो देखते ही पहचान गए। तुम्हारे मोम का शेर पिंजरे के बाहर है कलाकार। ये विजयनगर है, यहाँ तुम अपनी चालाकी से किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। अब जनता तय करेगी कि हम तुम्हारे साथ क्या करें। क्यों कलाकार, मिल गया जवाब? जवाब नहीं, इसको तो सजा मिलनी चाहिए। सजा? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा सबक मिला इस कलाकार को। हाँ हाँ, सही कहा। तुम्हारी ये अवस्था किसने की बालक? राजा विद्याधर ने गुरुवर। उन्हें अपनी और अपनी प्रजा की बुद्धिमता पर बहुत घमंड है। किसी कलाकार का ऐसा अपमान कोई राजा करता है क्या? राजा विद्याधर हमारे ही शिष्य हैं, परंतु लगता है उन्हें फिर से सीख देने की आवश्यकता है। उमेश, हरीश, महेश। गुरुजी ने राजा का अहंकार तोड़ने के लिए अपने तीन प्रिय शिष्यों को बुलाया। जो आज्ञा गुरुवर, ऐसा ही होगा। वो तीनों भेष बदलकर अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने चल पड़े और हरीश पहुंचा पान वाले की दुकान पर। श्रीमान, ये पत्ते कैसे दिए? 10 सिक्कों के 200, बिल्कुल ताजे हैं। बोलो कितने दूं? ये 10 सिक्के रखो और मुझे अभी सिर्फ 25 पत्ते दो, बाकी 175 पत्ते जब मेरा लड़का चिट्ठी लेकर आएगा उसे दे देना। बढ़िया बढ़िया, शॉल ले लो। बोलिए श्रीमान, कौन सी वाली दूं आपको? मुझे तो ये वाली शॉल चाहिए। दुकान की सबसे अच्छी शॉल पसंद की है आपने श्रीमान? पारखी है आप, सिर्फ 200 की है। ये 25 सिक्के लीजिए, बाकी के 175 उस पान वाले के पास रखे हैं। आप वहाँ किसी को भी भेजकर मंगवा सकते हैं। मेरी चिट्ठी उसे दीजिएगा, वो आपको दे देगा। लड़का पान वाले के पास पहुँचा। चिट्ठी देखते ही वो बोला, हाँ हाँ, वो श्रीमान अभी कुछ देर पहले मेरे पास आए थे। मैं भोजन कर लूं, उसके बाद आके ले जाना। मैं गिनकर पूरे 175 रख दूंगा। हाँ। लड़के ने वापस आकर अपने सेठ को बता दिया, पैसे तो मिल ही जाएंगे। ये सोचकर सेठ ने शॉल हरीश को दे दी। जब लड़का और उसका मालिक दोबारा पान वाले के पास पहुँचे तो उसने बजाय सिक्कों के पान पकड़ा दिए। इसका क्या करूँगा मैं? मुझे क्या पता, खाओ या बेचो, तुम्हारी मर्जी। अरे मैं तो मेरे सिक्के लेने आया हूँ। अरे कौन से सिक्के? श्रीमान के तो पान के पट्टे बकाया थे जो मैंने दे दिए। दोनों सेठों की बहस में एक तरफ से पान चले तो दूसरी तरफ से सिक्के। बात राजा के दरबार तक पहुंची। राजा उनकी बात सुनते ही जान गए कि किसी ने उन्हें सिर्फ बेवकूफी नहीं बनाया बल्कि उनकी प्रजा और उनकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जिसने हमारे व्यापारियों के साथ चालाकी की है उसे बंदी बनाकर तुरंत काल कोठी में डाल दिया जाए। राजा के सैनिक हरीश को ढूंढने लगे। उधर चलो। हाँ। अब गुरुजी के दूसरे शिष्य मनीष की बारी थी। मनीष जिस दुकान में गया वो कोई ऐसी वैसी दुकान नहीं थी, राजा के कारीगर की दुकान थी।
जहाँ उसकी बनाई एक से एक लोहे और लकड़ी की चीजें थी। राज कारीगर है ना? मनीष को बड़ा रईस समझकर दुकान वाला उसके पास आया। आइए श्रीमान, आप जैसे लोगों के लिए ही मैंने एक अद्भुत यंत्र बनाया है। कोई चोर अगर हाथ लग जाए तो इसे पहनकर आप बंदी गृह तक ले जा सकते हैं उसे। चोर भाग नहीं पाएगा। टिठोली करने के लिए मैं ही मिला हूँ। अरे जो चोर जंजीर तोड़ के भाग जाता है वो इस लकड़ी से रुकेगा क्या? मैं राज कारीगर हूँ श्रीमान, इसकी मजबूती साबित कर सकता हूँ। लगाइए ताला श्रीमान जी और देखिए इसकी मजबूती। मनीष को जैसे इसी मौके का इंतजार था, उसने राज कारीगर के कहने पर ताला लगा दिया और उसकी हालत पर हंसता हुआ चाबी अपने साथ ले गया। जैसे ही ये खबर राजा को लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो गया। बस बहुत हुआ, कोई हमारे लोगों को बेवकूफ बनाकर हमारे साथ उपहास कर रहा है। हम स्वयं उसे बंदी बनाएंगे। राजा भेष बदलकर निकल पड़ा और उसने देखा नगर के दरवाजे पर सुनसान जगह पर एक आदमी आम का टोकरा लेकर बैठा है। वो कोई और नहीं, गुरुजी का तीसरा शिष्य उमेश था। अरे इसने अपनी दुकान नगर के द्वार पर क्यों लगाई है? कहीं मेरे लोगों को मूर्ख बनाने वाला यही तो नहीं है? भाई आम कैसे दिए? मैं यहाँ आम बेचने नहीं बैठा हूँ। तो नए आए हो क्या? तुम्हें पता नहीं आजकल राज्य में एक गिरोह घूम रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। हमारे राजा भी उनसे परेशान है। हाँ वो तो है। उस गिरोह का सरदार इसी मार्ग से जाने वाला है। हाँ? मैं उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा। तुम जानते हो सरदार को? अरे और नहीं तो क्या, बहुत लंबा तगड़ा और ऊंचा है वो। देखोगे तो हालत पतली हो जाएगी। चलो चलो अपना रास्ता लो। अरे भाई मैं भी उसे ही देखना चाहता हूँ, यहीं कहीं छिप जाता हूँ। अरे तुम ऐसे ही नाचते रहोगे तो मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम इस आम के बोरे में छुप जाओ और आवाज मत करना, जल्दी करो। राजा उमेश की बातों में आकर बोरे में छुप गया और उमेश ने बोरे को बंद कर दिया। बेचारा राजा थोड़ी देर तक तो चुप रहा, लेकिन जब बहुत देर हो गई तब उसने आवाज लगाई। अरे खोलो, कोई है? खोलो इसे! लेकिन वह कोई सुनने वाला तो था नहीं सिवाय बैल के। सैनिकों ने जैसे ही बोरे को खोला तो देखा उसके अंदर राजा था। सरदार आ गया क्या? अगले दिन दरबार में गुरुजी को अपने शिष्यों और उसी कलाकार के साथ देखकर विद्याधर हैरान हुए। गुरुवर ये तो वही है जिसने तुम्हें बोरी में बंद किया था। हाँ ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे तीनों व्यापारियों को बेवकूफ बनाया था। और इन्होंने मेरे ही आदेश का पालन किया है। ये सब तुम्हारे अभिमान को तोड़ने के लिए आवश्यक था विद्याधर, ताकि तुम फिर कभी अपने ज्ञान के घमंड में किसी कलाकार का अपमान न करो। मैं समझ गया, मुझे क्षमा करें गुरुवर। विद्याधर को सीख मिली, उसने कलाकार और शिष्यों को उपहार देकर विदा किया। समय पहले की बात है, वीरवरा नाम का एक लड़का था जो एक समुद्री जहाज पर काम किया करता था। उसकी एक समुद्री यात्रा के दौरान एक बहुत ही तेज गति के तूफान ने उसके जहाज को नष्ट कर दिया, सब कुछ बिखर गया।
अगली सुबह बेहोश वीरवरा की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक अनजान टापू पर पड़ा पाया। ये मैं कहां आ गया? कोई है? कोई है? कोई है? बहुत दूर तक चलने के बाद वीरवरा को आखिर एक शहर मिल ही गया। लोग मिल गए। कहां चले गए यहां के लोग? कोई दिख ही नहीं रहा। महाराज की जय हो। महाराज कहां? अरे अरे रुको भाई, ये सब क्या हो रहा है और ये मुझे कहां ले जा रहे हो? ये टापू दिखने में चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, यहाँ के नियम उतने ही विचित्र हैं। यहाँ के नियम के अनुसार जो भी आदमी यहाँ बहकर या भटक कर आता है उसे वो अपना नया राजा बना लेते हैं और जीवन भर के लिए पुराने राजा को वीराने टापू पर भेज दिया जाता है। जिसने राजा रहकर यहाँ की सेवा की उसको जीवन भर के लिए वीराने में रहना पड़ेगा? ये तो सचमुच विचित्र है। वैसे फिलहाल यहाँ के राजा कौन है? मैं। वीरवरा को अब बात समझ में आई कि वो आदमी इतना उदास क्यों था, क्योंकि अब राजमहल छोड़ उस वीरान टापू पर जाने की बारी उस बुजुर्ग व्यक्ति की थी। टापू के नियम के अनुसार अगले ही पल वीरवरा महाराज वीरवरा बन चुका था। उसकी सूझबूझ और दयालु स्वभाव के कारण लोग उससे बहुत प्यार करते। मगर इस बीच एक बात थी जो वीरवरा के मन को हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो थी एक दिन कोई और राजा बनकर आएगा और उस दिन उसे भी वीरान टापू पर जाना पड़ेगा। और इससे छुटकारा पाने के लिए महाराज वीरवरा को एक योजना सूझी। सैनिकों, बरसात के मौसम में समुद्र किनारे रह रहे लोगों का घर अक्सर बह जाता है, इसीलिए मेरा आदेश है कि वीरान टापू के कुछ हिस्सों को अपने नगर की तरह ही विकसित कर दिया जाए, जिसमें घर, दुकान, सड़क सारी सुविधाएं हो। वीरान टापू को? मगर महाराज वहाँ तो केवल यहाँ से विदा किए गए राजा को रहना होता है। ये मेरा सुझाव नहीं, आदेश है। महाराज वीरवरा के आदेश से वीरान टापू के कुछ हिस्से के घने जंगल को काटकर उसको विकसित करने का काम शुरू हुआ। अब वीरान टापू वीरान नहीं रह गया था, और जब वीरान नहीं रह गया था तो फिर किसी नए राजा के आ जाने के बाद भी वीरवरा को वहाँ जाकर रहने में चिंता किस बात की होती? इस प्रकार से उसकी ये योजना तो काम कर गई और वह निश्चिंत होकर राजपाट चलाने लगा। तभी एक दिन, महाराज महाराज महाराज, बहुत दूर एक बड़े से जहाज के डूबने की खबर आई है। माफ कीजिए महाराज, मगर ऐसा जब भी होता है तब कोई ना कोई बहकर यहाँ आता है, जिसका मतलब है। इसका मतलब तुम्हारा नया राजा आने वाला है? जी महाराज, और इससे भी दुख की ये बात है कि उस डूबे जहाज पर हमारे दुश्मन का झंडा लगा था, जिसकी हमारे टापू पे कब से नजर है, और हमारे टापू के नियम के अनुसार उनका कोई भी आदमी यहाँ आ गया तो हमें उसको यहाँ का राजा बनाना पड़ेगा। इस खबर को सुनकर टापू के लोग सोच में पड़ गए, साथ ही बड़े उदास भी हो गए, क्योंकि वो लोग महाराज वीरवरा से बहुत प्यार करने लग गए थे।
वैसे प्यार और स्नेह तो वीरवरा को भी उनसे हो गया था, इसीलिए कोई बाहर वाला आकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसके लिए उसने एक उपाय सोचा। तुम लोगों को अपने राजा को बदलना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि तुम लोग जिसे चाहो उसे अपना राजा चुनो। ये कैसे हो सकता है महाराज? नियम के अनुसार भूला भटका आदमी हमारा राजा होगा, अब भूला भटका आदमी हमारी पसंद का कैसे हो सकता है? अभी राजा हम हैं, और राजा नियम बना भी सकता है और बदल भी सकता है। हर अजनबी अच्छा नहीं होता, और अपना राज्य किसी अजनबी या दुश्मन के हाथों देना बुद्धिमानी नहीं। हाँ हाँ महाराज, सही कह रहे हैं, इनकी बात तो सही कह रहे हैं, मगर इसमें हम कर भी क्या सकते हैं महाराज? करना तुम्हें नहीं हमें है, यहाँ की प्रजा की भलाई को देखते हुए हम ये नियम का प्रस्ताव रखते हैं कि आप लोग खुद अपने बीच का कोई राजा चुनिए। मगर हमारे बीच के राजा से हमें भेदभाव का खतरा है, इसीलिए हम बाहर का राजा चुनते आए हैं। इसका उपाय भी है हमारे पास, अगर वो राजा आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे, ये भेदभाव करे, तो राज्य के कुछ मुख्य सदस्यों के पास राजा को तुरंत हटाने का अधिकार भी होगा। वाह महाराज वाह, क्या बात है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, हम सब आपके विचार से सहमत हैं। वैसे महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं सदैव के लिए हमारे राजा बन जाते हैं? नहीं मित्र, मेरे यहाँ से विदा लेने का समय आ गया है, अब तुम्हें अपना राजा चुनने की बारी है। आखिरकार दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन, आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उसे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो, जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा, थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या, रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या, राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए, और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए।
राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते, इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या, वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सोचता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ। दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी, अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या, सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन महीने ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी, और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर, मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर, उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है, और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो मुझे आगे मेले में जाना है, और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को
किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। राजा विद्याधर को एक मंत्री की आवश्यकता थी जो बुद्धिमान हो और समय पर उन्हें सही राय दे सके। सुनो, सुनो, सुनो। महाराज का आदेश सुनो। आज से ठीक 4 महीने बाद महाराज के लिए अपने खेत की उगी हुई ताजी सब्जी और बुद्धिमत्ता का पात्र लेकर जो कोई अपनी परछाई का पीछा करते राजमहल में आएगा वो राज्य का मंत्री चुना जाएगा। सुनो, सुनो, सुनो। पाई पाई जोड़ के मंत्री तो मैं ही बनूंगा। चलो काम शुरू करते हैं। मंत्री जो बनना है। हाँ हाँ चलो। राजमहल में ताजी सब्जियां ले जाने के लिए बाकी सब तो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन सारंगा की तैयारी उन सबसे अलग थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सारंगा, राजमहल में ताजी सब्जी लेकर जाना है, मिट्टी नहीं। दिन और हफ्ते गुजर गए। आखिर वो सुबह आई जब सभी को अपनी अपनी सब्जियां और फल लेकर राजमहल में जाना था। मंत्री तो मैं ही बनूंगा। सारंगा की तैयारी तो अलग थी ही, उसकी राह भी अलग थी। उड़ंगा भाई, सारंगा तो उस तरफ से जा रहा है। वो रास्ता तो पहाड़ी से होकर जाता है। वहाँ से जाते जाते आदमी मुरझा जाए, सब्जी क्या खाक ताजी पहुँचेगी। पूरा विजयनगर मंत्री बनना चाहता है। ये रही ताजी सब्जी। ये तो देखो, और ये भी। सब्जियां तो ताजी है, लेकिन अपनी परछाई का पीछा करते हुए भी आना था। ऐलान सुना नहीं था क्या? सबको लगा कि सिर्फ ताजी सब्जियां पहुंचाकर वो मंत्री बन जाएंगे, इसलिए परछाई के साथ वो अपनी अकल भी पीछे छोड़ आए थे। सारंगा बुद्धिमान था। परछाई का पीछा करते आने की शर्त सुनकर ही वो समझ गया था कि महाराज चाहते हैं कि राजमहल के पश्चिमी दरवाजे से आना है, जहां सूरज की रोशनी अंदर आने वाले की पीठ पर पड़ने से उसकी परछाई आगे दिखती है। मुंगी देख, महाराज ने ताजी सब्जी मंगवाई और ये मिट्टी लेकर जा रहा है। इतना बेवकूफ तो ये होगा नहीं। जरूर किसी उपाय से ये ताजी सब्जी राजमहल तक पहुंचाएगा। यानी ये मंत्री बनेगा? नहीं, इसकी सब्जियां लूटकर हम मंत्री बनेंगे, फिर चोरी करने की जरूरत ही नहीं। जो भी सब्जी तुम राजमहल के लिए ले जा रहे हो वो हमारे हवाले कर दो, वरना। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये लीजिए, इसको महाराज के सामने ही खोलना। अगर उसके पहले खोला तो हवा लगी और सब्जियां सड़ी। हाँ हाँ समझ गए।
चुंगी और मुंगी सारंगा का दिया हुआ बक्सा लेकर राजमहल पहुंच गए थे। महाराज की जय हो। प्रणाम। वाह, तुम भी अपनी परछाई का पीछा करते आए। लेकिन तुम्हारी सब्जियां कहाँ हैं? होगी तो लाएगा ना महाराज। मेरी ताजी सब्जी तो देख लीजिए। मंत्री बनने के बाद मैं ऐसे लोगों से निपट लूंगा जो आपका समय बर्बाद करते हैं। ठीक है, पहले तुम्हारी सब्जियां तो देख लें। चिट्टी, अरे सब्जियां कहाँ गई? प्रणाम स्वीकार हो महाराज, हम चोर हैं, मंत्री बनने के लालच में हमने चोरी की, इसके लिए हमें सजा दी जाए। सैनिकों, डाल दो इन्हें काल कोठरी में। मैंने बताया था ना, सरंगा बुद्धिमान था, अब उसकी बारी थी। तो गांव वाले जो सोच रहे थे कि सारंगा मिट्टी ले जा रहा है, वो दरअसल सिर्फ मिट्टी ही नहीं थी, उसके अंदर सब्जियां और गाजरें भी थी जो उसने इतने दिनों पहले बैलगाड़ी में ही उगाई थी, ताकि महाराज विद्याधर तक वो ताजी ताजी पहुँचे। बहुत खूब, तुम अवश्य वो पात्र भी लाए होगे जिसमें बुद्धिमत्ता हो। जी महाराज। महाराज, इसमें बुद्धिमत्ता है, मगर आपको बिना मटका तोड़े निकालनी होगी। मटके में सारंगा ने जो कद्दू डाला था, वो खाद पानी से इतने दिनों में मटके जितना बड़ा हो गया। बिना मटका तोड़े वो निकलता ही नहीं। लेकिन उन्होंने सारंगा की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई बहुत खूब है सारंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर दरबार के लिए हमें इन तीन गुड़ियों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सी होगी? मुझे तीन तार चाहिए होंगे महाराज। अवश्य। अरे ये कर क्या रहा? ये गुड़िया दरबार के लिए श्रेष्ठ है महाराज, क्योंकि अगर कोई राज की बात पहली गुड़िया के कानों में बोली जाएगी तो वो उसका महत्व समझे बिना उसे दूसरे कान से निकाल देगी। दूसरी गुड़िया के कान में बोली जाएगी तो वो किसी को बोल देगी, लेकिन तीसरी गुड़िया के कान में जो भी बोला जाएगा वो राज राज ही रहेगा। वाह वाह, क्या बात है। बस एक आखिरी प्रश्न। महाराज ने तीन अंगूठी दिखाकर सारंगा से पूछा कि मान लो सारंगा, लाल अंगूठी पहनने वाले को योजना बनाने की ताकत देती है, हरी पहनने वाले को योजना को सामान्य परिस्थिति में अमल करने की ताकत देती है, और नीली अंगूठी पहनने वाले को विकट परिस्थिति में योजना पर अमल करने की ताकत देती है। तो दरबार में किसे कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए? महाराज, लाल अंगूठी आपको पहननी चाहिए, क्योंकि योजना राजा बनाता है। हरी अंगूठी आपके मंत्री के लिए होनी चाहिए, ताकि वो सामान्य परिस्थिति में योजना पर अमल कर सके, और सेनापति जी नीली अंगूठी पहने, ताकि वो किसी भी विकट परिस्थिति में आपकी योजना पर अमल कर सके। वाह, वाकई तुम बुद्धिमान हो सारंगा महाराज। और इस तरह अपनी सूझबूझ से सारंगा विजयनगर का मंत्री बना, और उसने अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सालों साल काम किया। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूर्ति मीडिया।